जी आप अभी स्वास्थ्य जमा खान साहब यहाँ पे मदरसा नियाजी में तशरीफ लाए हुए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। दो बात हमसे करने के लिए और अकबरपुर आपके आने के लिए, मैं तहदिल से मैं चाहता हूँ कि आपका शुक्रिया अदा करूँ और चाहता हूँ मैं अकबरपुर के आवाम से जो हमारे भाई हैं कि आपका ताली बजाकर यहाँ पे इस्तकबाल करें, प्लीज़ एक बार तालियाँ। अकबरपुर का भी मैं बेटा हूँ, क्या बात है, मेरा ये हर घर में मेरे पारिवारिक संबंध है, रिलेशन है, जितने भाई खड़े हैं दिल के मेरे भाई हैं, मैं अपने भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि आज तो मैं चुनावी दौड़ में चला हूँ, आपको मालूम है एमएलसी का चुनाव चल रहा है, हमारे बड़े भाई संतोष सिंह जी जो एमएलसी पहले भी थे उन्हीं के चुनाव में हम, हमारे जदयू के नेता आलोक सिंह जी हैं, उन लोग चले हुए हैं और इस मदरसा में बैठा हूँ मैं। यहाँ के जितने भी सेक्रेटरी हैं जो कमेटी के लोग हैं उनसे कहना चाहता हूँ कल भी मेरी यहाँ बैठक होगी, जो आप चाहते हैं जो मेरे हाथ में पावर आपने दिया है उससे बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री से कहकर मैं यहाँ व्यवस्था अरेंजमेंट करूँगा। अरे बहुत बहुत मेहरबानी सर, जी सर मैं सादिक इमाम नियाज़ी वीडियो से आपका मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज अकबरपुर रोहतास में मैं यहीं का तालिब इल्म हूँ। शुक्रिया। और ये सारे स्टूडेंट जो नजर आ रही है, फैसल साहब यहाँ के स्टूडेंट हुए और एक मुअद्दिब हस्ती, इनसे हमारी मुलाकात हुई थी जी, आलोक सिंह जी, और इस पुराना जो मदरसा है हमारा इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं तो यहाँ पे जहाँ बैठा हूँ पहली बार बैठा हूँ, अकबरपुर में तो मेरा पूरा रिलेशन है, हर घर से मेरा पारिवारिक संबंध रिलेशन भी है। आज मैं चुनावी दौड़ में चला हूँ, हमारे बड़े भाई संतोष सिंह जी एमएससी का चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें जिताने के प्रयास में मैं लगा हुआ हूँ और मैं यहाँ जहाँ बैठा हुआ हूँ मदरसा बाबा मुझे अच्छा लगा। मुझे लगता है बिहार में बहुत कम ऐसा होगा। भाइयों से कहना चाहता हूँ आज आपका भाई अब संघ कल्याण मंत्री है, जो आप चाहते हैं निश्चित इंशाल्लाह मैं करूँगा, अकल मैं फिर यहाँ आ रहा हूँ। आप इस वक्त मदरसा नियाज़िया निज़ामिया के बाहर का ये नज़ारा देख रहे हैं कि जहाँ पे जमा खान साहब यहाँ पे तशरीफ लाए हुए थे और सारे इनके चाहने वाले जो जानते हैं यहाँ पे इस तरह की तादाद में यहाँ पे आए हुए हैं, ये का काफिला है, ये सारे लोग, ये जमा खान साहब का मिलने का अंदाज़ देखिए कि किस तरह से यहाँ के लोगों से बच्चों से मिलने प्यार कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी जी इनका इस्तकबाल कर रहे हैं। ये इस तरह का नज़ारा अकबरपुर रोहतास मदरसा नियाज़िया निज़ामिया के बाहर में, मैं इस वक्त रोड का मंजर दिखा रहा हूँ। ये देखिए जमा खान का ये काफिला जो इस वक्त रवाना हो रहा है। आप अकबरपुर के आवाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अकबरपुर के आवाम के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जमा खान जी ने बोला ही है और जो आप लोगों का सपना है और बिहार सूबे बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने अगर कुछ बनाया है सोच के, पहले के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नहीं है, पूरे बिहार का मुस्लिम समाज के लिए पूरे हर दर्दर दरवाजे पर ये जाएंगे और मुस्लिम समाज का वो पहले वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि समस्या जो है एक कागज़ में सिमट के रहेगी। आपका आवाज़ को जमा खा एक विधानसभा और बिहार में चिंगारी बन के उसको लगता है। यहाँ ये हमारे जो आलोक जी हैं इन्होंने कहा कि मोहम्मद जमा खां एक बिहार में चिंगारी की तरह उभरेंगे और अपनी पहचान को शान को दिखाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।